हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पीरियड एंड वी वेयर स्टडिंग दिस लेसन। पेंगोलिन वाला लेसन चल रहा था हमारा, देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ से शुरू करेंगे, पेज नंबर इज 93। लॉन्ग अगो व्हेन ओनली ट्राइबल पीपल लिविंग इन द जंगल्स न्यू अबाउट अस द सिचुएशन वॉज नॉट सो बैड। पुराने जमाने में क्या था कि सिर्फ आदिवासी जो रहते ना, ट्राइबल यानी आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे, तब सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी। दे टू किल्ड एनिमल्स बट नॉट फॉर ग्रीड। तब भी वो जो लोग थे आदिवासी, वो जानवरों को मारते थे लेकिन वो लालच नहीं करते थे, वो लालच के कारण नहीं मारते थे। वो सिर्फ उनको खाना चाहिए होता था इसलिए खाने के लिए वो मारते थे। लेकिन अभी इंसान लालची हो चुका है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को बेचता है और पैसा कमाता है। नाउ यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ग्रीडी पीपल सच एज दोज हु स्मेल जस्ट नाउ। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद की रक्षा करनी है। तो ये जो स्मेल मैंने अभी तुम्हें बताई थी, ये स्मेल तुम्हें इसलिए याद रखनी है ताकि ऐसी स्मेल अगर आती है तो तुरंत तुम्हें अपने आप को छुपाना है, प्रोटेक्ट करना है। व्हेन वी स्टेप आउट फॉर आवर नाइट टाइम वॉन्डरिंग दे फ्लैश हार्श टॉर्च लाइट्स टू स्पॉट अस एंड देन शूट अस विथ देयर गन्स। जब हम रात के समय घूमने निकलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं इंसान, हमारे ऊपर हार्श बहुत ही तेज लाइट जो होती है टॉर्च की, वो हमारे ऊपर मारते हैं क्योंकि हम उन्हें दिखने चाहिए स्पॉट करने के लिए हमें, और हमें गन से मार देते हैं। दिस वेरी सेम विकेड पीपल हैव डिस्ट्रॉयड अवर हैबिटेट्स एंड क्लियर्ड अवे जंगल्स। तो ऐसे ही लोगों के कारण क्या हुआ है, इन्होंने हमारे घर को उजाड़ा है। हैबिटेट्स यानी जानवरों के जो घर होते हैं, वो इंसान ने उजाड़ दिए हैं और पूरे जंगल काट दिए हैं जहाँ पे हम रहते हैं। देयर इज़ नो रूम फॉर अस टू बिल्ड आवर होम्स एंड टू रोम अराउंड एनी मोर। और अभी हमारे पास कोई घर भी नहीं है, ना ही जंगल है जहाँ पे हम घूम सकते हैं। लाइफ इज़ नाउ फुल ऑफ हार्डशिप। लाइफ जो है, जिंदगी अभी बहुत कठिन हो चुकी है। यू कैन नेवर टेल व्हेन समवन लर्किंग अराउंड माइट किल यू। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन तुम्हारे आसपास ऐसे घूम रहा है जो तुम्हें मारेगा। बी वॉर्न बेबी, बी केयरफुल। तो इसलिए मम्मा अपने बच्चों को समझा रही है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। दिस मैन डोंट रियलाइज वी आर देयर हेल्पर्स। इंसानों को ये पता नहीं है कि हम उन्हें हेल्प करते हैं। वी रिमूव मिलियंस ऑफ एंट्स एंड टर्माइट्स फॉर देम। ये जो इतने सारे टर्माइट्स होते हैं, एंट्स होती है ना, चीटियाँ होती है, मकोड़े होते हैं, वो सब हम निकालते हैं। दे विल स्पेंड ह्यूज अमाउंट टू डू दैट देमसेल्स बट विल नॉट स्पेयर अस। इंसान क्या करेंगे, ये काम करने के लिए पैसा खर्च करेंगे लेकिन हमें नहीं बख्शेंगे, हमें वो मारते हैं। मे गॉड गिव देम गुड सेंस। भगवान उन्हें अच्छी बुद्धि सुबुद्धि दे। बेबी वन मोर थिंग, देयर आर सम गुड पीपल टू। पर ऐसे विकेड लोगों के साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। दे नो आवर इम्पोर्टेंस इन द फूड चेन इन नेचर। उन्हें हमारा इम्पोर्टेंस पता है, हमारा महत्व जो है वो पता है, हमारी अहमियत क्या है वो उन्हें पता है। दे ट्राई टू मेक अवर लाइफ इजियर टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स। और ऐसे लोग जो होते हैं वो हमें हमेशा हेल्प करते हैं और हमें बढ़ने के लिए, हमारी संख्या बढ़ने में मदद करते हैं। सह्याद्री निसर्ग मित्रा एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन महाराष्ट्र रन अवेयरनेस कैंपेन्स विद द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो है सह्याद्री निसर्ग मित्र एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, महाराष्ट्र में ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएँ हैं जो ऐसे जानवरों को बचाने का काम करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। दे होल्ड मीटिंग्स इन विलेजेस एंड अर्ज पीपल टू प्रोटेक्ट अस। गांव-गांव में जाकर वो मीटिंग करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमें बचाना है। दे पुट अप पोस्टर्स विद दिस मैसेजेस एवरीवेयर एंड हैंड आउट पैम्फलेट्स। ऐसे मैसेजेस वो जगह जगह पे लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं जानवरों को बचाने के लिए, और पैम्फलेट्स जो होते हैं ना, छोटी सी बुकलेट टाइप होता है, और
वो भी देते हैं लोगों को. दे ट्राई हार्ड टू पुट अ स्टॉप टू इंटरनेशनल स्मगलिंग. इंटरनेशनल लेवल पे जो स्मगलिंग होती है, कुछ चीज़ें लेना देना होता है, यानी जानवरों के दांत हैं या स्कल्स हैं, तो ये सब जो स्मगलिंग होती है वो भी उसे स्टॉप करते हैं. दे सेट अप मॉडर्न ट्रैप कैमरास टू गेट आवर फोटोग्राफ्स एंड स्टडी अस. और वो क्या करते हैं, उनके पास कैमरास होते हैं बहुत अच्छे, जिससे वो हमें ट्रैप करते हैं, यानी हमारी फ़ोटो वोटो खींच कर फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं. आई डू होप दिस गुड पीपल विल सक्सीड इन देयर वर्क. ये जो अच्छे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो उनके काम में सक्सेसफुल रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ. और लाइफ विल बी इजियर एंड आवर किथ एंड किन विल फ्लरिश. हमारी जो ज़िंदगी है ऐसे लोगों के कारण इजी हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं. हम जो फेस कर रहे हैं आज, वो हमें फेस नहीं करना पड़ेगा और लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगेंगे, तो हमारी ज़िंदगी सच में बहुत अच्छी हो जाएंगी. हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों की, हमारी फैमिली की भी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी. किथ एंड किन यानी क्या, हमारे दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, वो सब. कम बेबी दैट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स गेटिंग लेट. अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें लेट हो रहा है. डिड माई लव रिलीज द टर्माइट्स. मेरे बच्चे को टर्माइट्स पसंद आए कि नहीं आए. वी विल रिटर्न हियर टुमारो नाइट. और हम वापस से कब आएंगे, कल रात को वापस आएंगे. नाउ वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स. रात होने से पहले हमें यहाँ से घर जाना चाहिए. तो ये है लेसन. इसमें हमें यही बताया गया है कि जानवरों के साथ हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और हमें हमेशा उनकी तरफ काइंडनेस रखना चाहिए, यानी हमें उनको अच्छे से उनके साथ पेश आना चाहिए. सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी आपको रीड करनी है बार बार, दो तीन बार रीड करोगे तो आपको इसके वर्ड्स समझ में आ जाएंगे. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.